की तोड़ा दे गए, दसवें गुरां ने बख्शा मान ताइयो। खालसा जी, असी कुछ दिन पहलों फेसबुक ते मीडिया ते यूट्यूब ते देखते रहे हाँ, पर वो दृश्य नूं अज दोहराना चाहांगे। स्टेट तो इत्थे जमीनां वाले भी आए आ, पर इत्थे जमीरां वाले भी आए आ। पहलों ते गुरु साहब का नारा बुलंद करिए, गुरु की फतेह सांझी करिए। रचना न करो पित्र बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहलों तो अज बहुत वधाई पात्र दिन है जो साढ़े विच मलाना जी आया। जिस तरह साडा काल तख्त स्क्रीन कोड है जो सारे वर्ल्ड का स्क्रीन पावर है श्री काल तख्त साहब, उस तरह ही मुसलमान भाईचारे का अज जिदा असी काल तख्त के जथेदारां नूं मानते हाँ, उस तरह उन्होंने वड्डे वडेरे है, उन्होंने वड्डे आगू है। इन्हों का इत्थे आउण ते बहुत वड्डा सुनेहा पूरे भारत नूं नहीं ये वर्ल्ड नूं सुनेहा जाएगा। पर जदों असी फेसबुक ते जां यूट्यूब ते देखते हाँ, पहलों जदों लॉकडाउन चल रहा ही, करोना के दिन चल रहे ही, उदों बड़िया गुरद्वारा में अरदासा हुई भी जेडे मजदूर लोग अपना हक मंगते हैं झोने की लवाई जा कणक की वढ़ाई, उन्होंने इन्नी नहीं इन्नी देनी आ। गुरद्वारा में अरदासा हुई भी आ इन्हां मजमिया सिंघां लोगों नूं, इन्हां गरीबां लोगों नूं जमीनां दे उत्ते नहीं चढ़न देना, इन्हां नूं डंगरां वाते पट्ठे नहीं वड्ढन देने, इन्हां नूं दुध नहीं देना गरीबां नूं। ओ गल सुनो सज्जनों मित्रो, आ जो लोग तुहाडियां ढालां बन के खड़े जो 2.5 महीने सानूं इस अंदोलन में हो गए, साडे को एक मरला भी जमीन नहीं। पर सज्जनों जमीन ढेरां दी ढेर जो साडे को जमीर जो इत्थे शायद साडे लोग कई लोग जमीरां वाले जिन्हां को हजार हजार किला वह भी नहीं जो इत्थे पहुंचे, पर जिन्हां को जमीना नहीं हैगियां इत्थे पहुंचे। सज्जनों इत्थे ब्राह्मण लोग जिहड़े खेतीबाड़ी काम नहीं करदे वह भी इत्थे पहुंचे आ। साडा उहनां ब्राह्मणां नाल कोई वैर ते विरोध नहीं गा, जिहड़े इस अंदोलन नूं प्यार करदे, जिहड़े इस अंदोलन का हिस्सा बणदे और इस अंदोलन का हंगारा भरदे आ, साडा उहनां हिंदुआं दे नाल जो आरएसएस दे कुत्ते आरएसएस दे खोते कह लो, जिन्हां ने बीजेपी दे बंदियां ने पुलिस दियां वर्दियां पा के दूसरी स्टेट ते हमला भी कीता, उस दिन कौन खड़े उत्थे रंगरेटे गुरु के बेटे। आ सारियां जथेबंदियां खालसा जी रंगरेटियां दियां जो और तुसी इन्हां नूं की समझदे जो, और सानू गुरु कलगीधर पातशाह ने छाती ना लाया ते कहा रंगरेटे गुरु के बेटे, सानू अपनी दस्तार दे के गई बाबे संगत सिंह दे सीस ते कलगी तोड़ा सजा के दे गए, और जिन्हां नूं उन्होंने वड्डियां कीता वे और किसी की कोई ताकत नहीं उन्होंने नीवें कर दे। खालसा जी अज वो जग्गी बाबा देखो उन्होंने जिमीदारा ने जेड़े लाण कर दे इन्हां नूं फसलां च नहीं वंड देना, इन्हां नूं पट्ठे नहीं वंडन देने। उन्होंने खालसा जी सोने दे तकमे पाए, किन्ने पाए, गुरु साहब ने कृपा की, गुरु साहब ने तो पहलों तो इन्हों वडियाइया दतिया, तो तुम इन्हों नीवें दिखाओ। आए अंदोलन पता नहीं इसे करके सतगुरु ने आरंभ किया ही, पर नहीं उच्चा तो मैं नीच करा। वह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने तो संगत पंगत दे विच ते साडी लड़ाई होई, साडी लड़ाई गुरु गोबिंद सिंह दी कित्थों चली, जदों 22 धार दे राजे कहन लगे गुरु साहब दे कोल आए ते गुरु साहब कहन लगे बैठो पंगच प्रशादा पानी छको, ते ओ राजे 22 धार दे कहन लगे महाराज साडी उच्ची कोल आ, असीं उच्चियां कोलां वाले हाँ, असीं इन्हां गरीब लोगों के नाल नहीं बैठांगे। तो फिर सतगुरु ने कहा इनकी कृपा से सदे हम है, नहीं तो मुझ सौ गरीब करोड़ पड़े। खालसा जी उन्होंने गरीबों की कदर की, उन्होंने अपन छेजा च बछाया तो सारा कुछ दिता। तो गुरु साहब जे कि साढ़े वर्गे सिख होंगे ना तो पता की आते नहीं महाराज ये गुरु तेग बहादुर सिख मलबी सिंह लैके आया, ये रंगरेटे लैके पिटिया गया, असं नहीं लैना। जे अज वर्गे कमले लोग होंगे तुम कि जातों पातों च पै गए जो, वो खून कढ़ो इत्थे को रलदा वा, किसी का कोई हरिया किसी का कोई खट्टा वा पीड़ा वा, इत्थे सारा खून लाल होएगा, एक खून आ
इको जी अखा बनाईया, इको जे हथ बनाए, इको जे पैर बनाए आ। वह गल सुन, वो यार असी गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डे हो गए, फिर इदा दे मजमिया सिंह दे ग्रंथ चुक लियाओ गुरुद्वारा चो, क्यों ताडे ग्रंथ पिटे गए आ। असी ये बाबिया नू जेड़े वड्डे वड्डे बाबे गुरु दियां ग्राहियां करदे आ, ताडे घरां चो तन खांदे आ, ते गुरु दे नाल विदकरा करदे आ, इन्हां सिखां दे नाल विदकरा करदे आ, जिन्हां नू पातशाहियां दित्तियां गुरु नानक दे घर ने उहनां दे नाल विदकरा करदे आ। पर मैं थोड़ा दसना चाहुंदा वां, जदों इत्थे 26 तरीक नू इह अंदोलन आया वा, ते 29 तरीक नू असीं इत्थे असीं पहुंचे हाँ, 28 तरीक नू असीं उत्थों तुर पए हाँ, ते असीं एक रात राह दे विच रुके हाँ करनाल, ते 29 नू इत्थे पहुंच गए हाँ। साडे कोल जगह जिहड़ी घट सी, संगत साडे नाल प्रेम बोध करदी सी, असीं सरकारी जगह दे किते अपना पड़ा बना ही। खालसा जी जदों इत्थों दे नोल विच अपना पड़ा चुकदा उत्थों, ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਸ ਉਸ ਜਹੇਦਾਰ ਜਸੇ ਬੰਦੀ ਦਾ ਜਸੇਦਾਰ ਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਡ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਬੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਸਹਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਦਿਨ ਉਦਨ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਭਵੇ ਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਰਾਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੱਖ ਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਢੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ, ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ MPਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜ ਆ, ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਲੋਜ ਰਿਆਜ਼ ਹਾਂ ਕਪਟਨ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕੇ ਚੱਠੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਾ ਦਿਓ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਪਾ ਦਿਓ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਪਟ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਕਾਤੀਆਂ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਰੱਖ ਲਓ ਦੇਸੀ ਗਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰੱਖੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚੂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲੇ ਵਿਕਾਤੇ ਸਾਰੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਏ ਆ।
अपनी जनसंख्या वधाउण वास्ते आया, नहीं तो पहलों नहीं इन्हां नूं पता वो साडे बच्चों का की हाल बनाता। नत्तियां पातियां साडे बच्चों के कन्नां विच छेक करा करा के, ये छेक हम बुढ़ियां के कन्नां विच वेखे ही, कभी मर्दां दे नहीं वेखे। एक ना असीं चंडीगढ़ बस से जाण लगे तो साडे कोल गड्डियां नहीं हुंदियां, उत्ते रब ने बड़ी कृपा की आ, बस से जाण लगे साडे कोल पिंडों निहंग सिंह आए, चंडीगढ़ रहिंदे आ पुराने, तो वो साडे कोल पिंड तों निहंग सिंह आए, तो एक कुड़ी ने बोधे बाधे किए, तो उन्हें ना जेबे च हथ पाए जागट पाई छियाली देनी, वो निहंग सिंह पेंडू कह लगा मुंडिया इधर आ, वो कहिंदा टाइम दस, वो कह लगी मैं तो लेडी सी जी, वह कहिंदा मैं तो क्या लेडा वा, इस करके कुड़ियां मुंडिया की पछाण कोई नहीं रह गई। जेड़े मुंडे आ वह कुड़ियां गुत्तां करन दे पिछे, वह रब ने जे तुहानू वह मुंडे बनाया तो तुसीं कुड़ियां क्यों बनदे जो, रब भी तुहानू कुड़ी तो बना सकता ही, तुसीं हुण क्यों बनदे जो। इस करके गाने वालियां ने साडे कन्नां विच नत्तियां पवातियां, वह सरदारां दे मुंडे ने अमृतधारी जिन्हां दे बाप मां जिन्हें सारी उम्र कदे वाल नहीं मनाए, उन्होंने पिछे पुठियां टोपियां पवातियां, उत्ते लिखता टोपियां पुत सरदारां दी, वह सरदारी दे तिरताज जे तेरे जूड़ा होएगा है ना, तेरी पछाण तू साई आ, इतने जटा ने मुंडे होने मिले बाबे फोटो खिचाने, मैं हाँ नहीं खिचाणी फोटो खिचाण तो है कौन जाता हाँ ना ताड़ा पता, कहिंदे जी सरदारा दे पुत जटा दे मैं ताड़े उत्ते फट्टी लगी आ, ना ताड़ा पता तो साई जो, ना पता लगता तो मुसलमान जो, ना ताड़ी तो कोई पछाण ही नहीं, सिख की पछाण कित्थों आ, सिखी तो खालसा जी, ये सिख गुरु नानक ने दरगाह जो बना के रख्या वा। मैं इत्थे अज मलाना जी बैठे आ जड़ियां सच दियां गल्लां वा, सच नूं कुछ पा नहीं सकदा। बच्चा जन्म लैंदा वा उहदे वाल ना कट्टे जाण, उहदी सुन्नत ना होवे, उहदे जनेऊ ना गल विच पाया जावे, कौन होएगा तुरिया जांदा होए पाए मुसलमान कहेंगे दाड़ा मुच्छां होण ते सिख जा रहा। खालसा जी दरगाह दे विचों सिख बणा के महाराज ने भेजा वा, ये सिक्खी नूं सांभ लो जे सांभ सकदे जो। वह बाबे फतेह सिंह दा खून पा के, बाबे जोरावर सिंह दे 392 फट वजे, उहना सिक्खी नूं दिता। पर अज जिहड़ियां वी इत्थे अंदोलन दे विच आ रहे आ, ये वड्डा योगदान, अज 2500 करोड़ जिहड़ा वा वह इस मलाना जी दे नाल जुड़िया वा, इहनां दी संस्था दे नाल जुड़िया वा। अज तुसीं वेखो वी 25 करोड़ मुसलमान इत्थे तुहाडे कोल पहुँच चुका वा, एडा वड्डा अंदोलन बन चुका वा। ये किसे धर्म दा अंदोलन नहीं गा, ये किसे जात दा अंदोलन नहीं गा, ये तो जमीरां दे अंदोलन बन चुके आ। जिहड़ा इत्थे ना आएगा ना वह पछतावा रह जाएगा, नू भी मेरा पता नहीं की खो गया वा, मैं इस अंदोलन में हाजरी नहीं भरी। असीं उह संतां वाला समां देखिया वा, संत जरनैल सिंह पिंडरां वालियां दा, असीं उहनां दे खुले दर्शन भी किए आ, उहनां दे चरणां विच भी रहे हाँ। पर उहो जिहा कोई सानू आगू नहीं अजे तक मिलिया जिहो जे संत, जिहड़े कोई SSP आ गया तो वह भी उहनां दा बन के रह गया, जे कोई फौजदार आ गया तो वह भी उहनां दा बन के रह गया वा। इस करके सिख दे अंदर इन्नी दृढ़ता होनी चाहीदी आ भी जिहड़ा भी आवे, जो उत्थे हिंदू वाले उहदे नाल भी प्यार करे। संतां कोल हिंदू भी जांदे रहे वड्डे वड्डे, मुसलमान भी वड्डे वड्डे जांदे रहे, पर उह सब दा सत्कार करदे ही, उह हिंदुआं दे खिलाफ नहीं बिल्कुल। संत संत ते हिंदुआं दीआं लटकियां दा भी कई फैसले कीते संत जरनैल सिंह होणां ने साडे सामणे, असीं उहदे छोटे हाँ पर असीं 15-16 साल 17 साल साडी आरजू ही उदों जवानी दे विच हाँ। इस करके सारे वचन सुणे आ, इहो जिहा सानूं जोधा फिर कोई आवे, पर असी इस स्टेट तो फिर दोबारा एक बेनती करना चाहते आगुआ, सारे आगू मिल के रहो, कोई भी जिहड़ी साडे विच कोई दृढ़ता पैंदी उह नाम पाओ, इत्थों वधिया सनेसा दो। जदों असी नवें नवें आए तां कोठे जिहड़े ना ये सारे भरे ही दुनिया दे, ते इत्थों वार वार स्पीच हुंदी भाई थल्ले आ जाओ, पर इन्ना अंदोलन सुणदा लोकां नूं प्यार ही इत्थों बुलारियां दे अंदर, इस करके कोटे छत्ता बहुत तक चल गए लोग। पर अज जदों हाँ कई बार जाने ना इतने घट होंगी जनसंख्या, संगत गुरु की घट होंगी आ, पर इतने असी विरोध करनी है एक दूजे का, असी विरोधता दे नाल सरकारां नूं दस रहे हैं भी असी पाट रहे हैं, साढ़े धड़े बंदियां बन रही, असी इहनूं धड़ा ना बनाईए, इहनूं कामयाब करिए, मोर्चे नूं फतेह प्राप्त करिए, असी जित प्राप्त करन आए हैं। कभी 12 मिसलां होंदियां पिछे उन्होंने भी वंड विहार होंदे ही, कई बारी वह भी आपो विधि नाराज हो जाते ही, पर जदों जंग की तैयारी होंगी ना जदों कोई बाहरों चढ़ के आता तो एक मुठ हो जाते ही।
असि अज सानू एक मुठ होने की लोड़ आ। असि एक दूजे दी अंबरियां ना करिए, असि जो कोई बुरा भी आ बाद विच कर लांगे उहदे नाल गल, उहनू बाद विच मिल लांगे उहदे नाल, बाद च प्यार नाल समझा लांगे भाई इस तरह नहीं इस तरह चल। पर अज साडा जिहड़ा इत्थे मेन मुद्दा वा कट्ठिया हो गए चलन दा, साडे विच बड़े विरोधियां पार्टियां लगियां वा जिहड़े सानू तोड़ना चाहुंदे आ विछोड़ना चाहुंदे आ, पर नहीं असि इह ना होण दईए इत्थे अह टुट गए ना। साडे कोल सरसा साहब बलदेव सिंह सरसा जी भी बैठे आ, सियाने आगू आ, इन्हां भी बड़ा वड्डा पहलों तो संघर्ष किया वा, पर असीं इन्हां नूं भी बेनती की बैठे हाँ। एक दिन साडे कोल गए तंबू दे विच, इन्हां नूं भी बेनती की, उन्हां दे नाल जिहड़े सिंह साहब बैठे आ उन्हां दा नाम नहीं दस जाणदा, उन्हां नूं बेनती कीतियां भी अज सानूं एक दूजे ते चिक्कड़ सुट्टण की लोड़ नहीं, अज साडी इकट्ठे होण की लोड़ आ। असीं जिन्ने भी इत्थे आगू बैठे हाँ सारे इकट्ठे हो जाइए, असीं ना तो राजेवाल दे चिक्कड़ सुट्टीए ना राजेवाल साडे दे चिक्कड़ सुट्टे। देखो निहंगा सिंघां वास्ते स्टेट दे किन्ना माड़ा कह गया ही, निहंग सिंह कुत्ते आ, सानू कुत्तिया तक लोगो इत्थे शब्द बोलिया गया। दसो गुरु गोबिंद सिंह की फौज कभी कुत्ते हो सकते हैं? पर असीं फिर अज मलाना जी दे नाल आए हाँ, साडा अंदरों कभी मन नहीं किया स्टेट ते आउण नूं, पर अज अहां मलाना जी दे नाल आए हाँ भी साडा सुनेहा आवे फिर एक आ असीं। पर जे असीं पिछों इन्हां दे नाल आए हाँ स्वागत नाल लैके आए हाँ, जे असीं इन्हां दे नाल ना गए इत्थे ते इन्हां दे मन विच कोई ठेस पहुँचू पता नहीं क्यों नहीं आए। इस करके असीं सारयां नूं इत्थों बेनती करदे हां स्टेट नूं भी वधिया भाई प्यार करो, एक दूजे चिक्कड़ ना सुट्टो, चिक्कड़ सुटाउण वाले ढाडे विच बहुत वड़ रहे आ, पर उन्हां नूं परे हटा दिओ, इत्थे सानूं एक दी लोड़ आ। जे साडा एका ना रहा तां ताडा अंदोलन नहीं रहेगा, जे ताडा एका रहेगा ते ताडे अंदोलन नूं कोई आंत नहीं आ सकती। इस करके मोदी सरकारां दा बड़ा पहलों तो यह रहा वा, बड़े बड़े उन्होंने ये अपना ये गुंडागर्दी की आ, गुजरात दे विच वी गुंडागर्दी की आ, इत्थे दिल्ली दे विच मुस्लिम भारे भाईचारे ने जदों इकट्ठ किया अपने मुद्दों रखिया उन्हां ते वी बहुत अछद्दत ढाई गई आ, बड़ा जुल्म ढाया गया जी उस समय बीजेपी दे गुंडे आर एस दे गुंडे वर्दियां पुलिस दियां पा के ते मुसलमान ने भाईचारे दे उत्ते अत्याचार किया। उही अत्याचार 29 तरीक नूं पिछली स्टेट ते वी होया वा, पर जिथे रस्ते बंद किए गए पर निहंग सिंह फौज उत्थे 2 मिनट स्टेट ते पहुँच के स्टेट नूं संभाल लिया, उत्थे आंत नहीं आउण दित्ती भाई। साडा ढाडना भी कोई विदकरा नहीं, कोई तुहानूं आ जाएगी ते साडे ढाडे विदकरे पिछे असीं फिर ताडे अगे आउणा वा, साडा ढाडा ते कोई वैर नहीं, साडा ते वैर ही किसे नाल नहीं यार, तुसीं ते सारे साडे अपने जो, असीं ते हमेशा ही अपने समझदे सारयां नूं, असीं ते गाणा लाउने आ क्यों, असीं उस गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र आ जिन्हां ने सब नूं गाणा लाया। ये गुरु नानक दा सिद्धांत आ, वह मुसलमानां कोल भी गए, वह साइयां दे कोल गए, उन्होंने नमाजा भी कीतियां, नमाजा कीतियां नहीं नमाजा कराइयां, क्यों उन्हें दस्या भाई इदा नहीं नमाज इदा करनी आ। इस तरह साडा तो गुरु नानक का हिदांत आ, उन्होंने सारे एक किया, असं अज सारे इतने एक हो जाइए, असं प्यार करिए, असं इतने नफरत का बीज ना बीजिए। असं 1 लाख रुपये का अपने कोलों तेल फूके हाँ, कभी सानू दसो कि ने दिता कोई पैसा, असं जा कभी मंगया, साड़ी बिल्कुल गरीब जथेबंदी आ, पर असी अंदोलन में अपने आप इतने आने हाँ, अपने सिंह लैके आने, 1 लाख का तेल कोलों फूकया वा, कभी किसी को मंगया नहीं, ना कभी ग्राही की पिंडां च वड्डे वड्डे रोडां ते लंगर लाए आ, वड्डे वड्डे असा संघर्ष किए आ, सारे संघर्षां 328 रुपां का मसला रहा, उत्थे भी असी हाजरी भरते रहे। जे रेल ते संघर्ष रहा वा इस अंदोलन का गुरु के जंडाले दे लागे देवीदासपुरा, उत्थे भी असी हाजरी भरते रहे, जिन्हें जो कि गुरु का लंगर भी लैके जाते रहे हैं, पर असी कभी पिंडां चो ना कणक की ग्राही की ना झोने की ग्राही की, पर सानू ताडा प्यार बड़ा वा, प्यार ताडा संगत ही सारा कुछ चलाउंदी आ, पर हाँ फिर बेनती करते हैं, पर पछाण ये जिहड़ा अंदोलन आ इतों बाबयां दी पछाण हो जानी आ, इतों लीडरां दी पछाण हो जानी आ भी सुचे सच्चे लीडर कहड़े आ, चंगे बाबे कहड़े आ। अज वो बाबे दे बहुत पिछे रह गए आ जिन्हां नूं तुसीं 5-5 बोरियां 10-10 बोरियां ग्राही दीआं देंदे जो, पर जिन्हां नूं तुसीं कदी ये हाल वी ना पुछा होवे, पर वो ताडे लोग जिहड़े ताडे पिंडां वाले वह भी अज आण के बैठे आ, वो लंगड़े लूले जिन्हां दे शरीर धड़ नहीं हैगे वह भी ताडे अंदोलन में आए, उन्हां दीआं कदे जमीनां वा यार, उन्हां कोल जमीनां वा, वह अपनियां जमीनां लैके आए आ, गरीब तो गरीब इत्थे अंदोलन च पहुंचा। इत्थे असीं इत्थे हरियाणे दी ते पंजाब दी गल ना करिए, असीं सारे सूबियां नाल लैके चलीए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने जदों
ये लाल किले दे 19 बारी झंडा चढ़ाया, ये झंडे दियां गल्लां करदे ही यार, इत्थों भी गल होई है स्टेट तो भी वी झंडा गल सुनो। अज आ दसना चाहुंदे आ जे उत्थे केसरी झंडा ना लगदा ते दसो कदी तिरंगा झंडा लग सकदा है? तिरंगा झंडा कदी नहीं लग सकदा उत्थों, क्यों? उत्थे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी फौज ने, बाबे बघेल सोहना ने 19 बारी पहलों उत्थे केसरी झंडा चलाया, ते फिर असी मुगल फौज दे कोलों ये लाल किला लिया, ते ये जिहड़ियां सरकारां बनियां उन्हां दियां झोली विच पाया, ये खालसे दी देण आ लाल किला। असी 20 वारी नहीं, असी पता नहीं 50 वारी उसे झंडे चढ़ावांगे, वह साडा लाल किला वा, असी अपने शहीदियां करा के वह लाल किला लिया वा, सानू किसे ने लिया के नहीं दिता, असी वह भीख च नहीं लिया भी किसे को भीख मंगिया वा, वह लाल किले मालक असी आ डवानी, और डवानी दे बानी और नरेंद्र मोदी, और साडा किला जिन्हों तुसी 25 करोड़ दे विच ठेके दे दिता वा डवानियां बानियां नू, उहदे मालक खालसा फौज आ, ये असी खालसा। इस करके जिहड़े हिंदू भरा कई इतराज करते इतों गलत बोलिया जाता वा, पर वह भराओ असी ताड़ी गल नहीं करते, वो तुसी गुस्सा ना करया करो, तुसी तो साडे भरा जो जिहड़े साडे विच आण के बैठे जो साडे नाल चलते जो तुसी साडी जिंद जान जो, वह भाई मुसलमान होवे जिहड़ा मर्जी होवे वह साडी जिंद जान आ, साडा तो उन्हां नाल है जिहड़े साडे वैरी आ, जिहड़ा साडे ते चढ़ के आऊगा उहदा बूथा देंगे भन्न, जिहड़ा करूगा प्रेम नाल उहदे नाल गल गलपड़ी लवांगे। इन्नियां बेनतियां करदे आ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशियां दे जकारे वी जावे नाल हो जावे गुरु गोबिंद सिंह नूं पावे, हथ श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा। धन्यवाद जथेदार बाबा नारायण सिंह जी का, तरना दल वाले का। हुण